ओए मुन्ना, आज मैं तुझे सरप्राइज करता हूँ। ये देख, हमने किसको पकड़ लिया है। अरे यार, ये क्या हो रहा है गड़बड़ यहाँ पे। स्पाइडर टॉयलेट ने मेरे क्लॉकमैन टीम को कैद कर लिया। ओए आप बता, कैसा लग रहा है तुझे देख के। अब इनका खेल खत्म कर देंगे हम लोग। हे भैया, उससे पहले तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, मेरी तरफ से लोगे बिग सरप्राइज। ओए क्या बिग सरप्राइज हो सकता है। हे भैया, ध्यान से देखो ऊपर की साइड में। ओए क्या है ऊपर, ये देख ले, ये निकल के भाग भी नहीं सकते अब, और इनको कोई बच्चा। अरे ये क्या है। हे भैया, ये देखो ये कौन है। ये अपना नया टाइटन आ चुका है, गोल्ड क्लॉकमैन। अरे बाबरे, तो गोल्ड से बना हुआ है। हे भैया सही कहा। ओए इसका गोल्ड तो मैं पिघला दूंगा। हे भैया, उससे पहले ये तुम्हारी टीम की जाके धुलाई करेगा। ये देखो भैया ऐसे। ओए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हे भैया होगा, और ये देखो ये कर भी सकता है। एक एक को कैसे साफ कर दिया ना भैया। हे मजे आ गया देख के। ओए तेरे को बहुत खुशी हो रही है। हे भैया, खुशी तो बेर को बहुत ही ज्यादा हो रही है। गाइस यहाँ पे मेरे टाइटन ने भैया के जो भी थे उनकी टीम के मस्त धुलाई कर दी। ओए ये क्या हो गया। एक गैस, ये वाला बहुत ही उछल रहा था स्टार्टिंग में आके, अब ये भाग के सोच रहा है इसकी टीम कहाँ पे गई। अबे तेरी नल्ली टीम सारी की सारी मर चुकी है, अब ये दुम दबा के भाग रहा है। हे, ओए ये भाग जाएगा और तू पकड़ नहीं पाएगा। हे भैया, मैं पकड़ेगा, अब तो ये पिटाई करेगा दै मुख के लात घूसे। देखा ना भैया, बदला ले लिया। ओए बदला तो मैं तेरे से लूंगा, और तेरे गोल्ड क्लॉक मैन को छोड़ूंगा नहीं। हे भैया, सपने में बदला लेना। वैसे भी तुम अब गोल्ड क्लॉकमैन का कुछ नहीं कर सकते। ओए वो तो पता ही चल जाएगा मुन्ना। हे गाइस यहाँ पे देख रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा पहले उड़ रहा था, लेकिन अब इसकी तो फुसफुस हो चुकी है। अब गाइस यहाँ पे गोल्ड मैन उसको फ्रिश कर देगा। ओए देखते, अरे बाप रे ये क्या। हे भैया, आज का तो मस्त चैलेंज होने वाला है। यहाँ पे मेरे पास आ चुका है गोल्ड टाइटन, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है भैया। ओए मैं देख लूंगा इसे। हे भैया चलो बैटल स्टार्ट करते, और पता ही चलेगा कौन किसको हराएगा। ओए ठीक है, तेरे को पता चल जाएगा मुन्ना, तो मुझे जानता नहीं कि मैं कितना डेंजर हूँ। हे भैया मैंने देखा है। भैया क्या सोच रहे हो। ओए इसको हराने के लिए मुझे कौन सा टॉयलेट चाहिए, ये ले। अरे यार भैया, ये मच्छर टॉयलेट मत लेके आओ भैया, ये तो बिल्कुल भी नहीं टिकने वाले इसके सामने। ओए देख लेते इसमें कितना दम है। ये गाइस हमने करी बैटल स्टार्ट, और एक ही बार में ये क्या भैया, ये तो उड़ते हुए निकल गया। ओए ये क्या हो गया, मैच स्टार्ट करने से पहले एंड कर दिया। हे भैया मैंने क्या किया यार, ये बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड है गोल्डन क्लॉकमैन, पहले वाले टाइटन क्लॉकमैन से भी ज्यादा पावरफुल है ये। ओए इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हे भैया छोड़ोगे नहीं, लेकिन गाइस ये बहुत ही ज्यादा डेंजर है, और ये सबके पिटाई कर सकता है। हे छोड़ेगा नहीं भैया। ओए चल देख लेते हैं ये क्या है अब। हे भैया अब क्या टाइटन लेकर आओगे। ओए मैं दो दो बिल्डोजर लेकर आऊंगा, ये ले। एक के साथ दो दो आ चुके हैं, अब तो गया ये। हे भैया एक के साथ दो लेकर आए, दो के साथ एक। ये क्लॉकमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है गाइस, ये क्लॉक टाइटन के सामने भैया के ये जाइंट बिल्कुल भी नहीं टिकने वाले आज तो भैया चुन चुन के बदला लूंगा मैं। ओए देखते हैं कितना बदला लेगा, मुझे तो नहीं लग रहा मुन्ना। हे भैया तुम्हें लगेगा भी नहीं, गाइस यहाँ पे मस्त तरीके से जीतेंगे। और यहाँ पे लगा दिया। ओए ये क्या है। हे भैया ये देखते जाओ ना, ये है अपना। ओए ये तो मेरा है, इसको बोलते हैं फायर ब्रीथर। और ये स्केलेटन भी आ गया। हे भैया एसिड स्केलेटन, ओके गाइस यहाँ पे। और ये ट्रिपल मूव ओब्वियस, साथ में शील्ड के साथ। हे भैया शील्ड वाले लेकर आ गए क्या। ओए तीन बिगाड़ा काम बिगाड़ेंगे तेरा। हे ये देखो भैया आ गया ना, काम बिगड़ गया गाइस यहाँ पे। देखा ना अपने टाइटन ने कितनी जल्दी इन तीनों का काम तमाम कर दिया। मैंने क्या कहा था भैया, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, कोई हल्के में लोगे तो भैया ऐसे ही मारे जाओगे। ओए हल्के में किसने लिया भैया, हल्के में लिया ना, एक ही बार में फिनिश कर दिया हमने। हे मजे आ गए भैया। ओए बताता हूँ मैं तुझे। हे भैया क्या बताओगे यार तुम मुझे, हाँ देख लिया ना, एक एक करके कैसे उड़ा दूंगा। और ये देखो भैया, ओए ये क्या है। हे गाइस यहाँ पे देख रहे हो, एक से बढ़कर एक खतरनाक है अपने पास में। और ये क्या भैया, ये क्या लगा रहे। ओए अब लेके आ जाओ क्लॉकमैन को, पता चल जाएगा
आप तो इसकी वाट लगनी है। अच्छा भैया चलो देखते गाइस। और ये क्या भैया, वाट लगने से पहले वाट तो खत्म हो चुकी है गाइस। यहाँ पे भैया के और ये जायंट भी मर चुके हैं भैया। कुछ दमदार नहीं है क्या तुम्हारे पास जायंट, जो कि मेरे क्लॉकमैन से थोड़ी देर तक तो फाइट कर पाया, आते ही मर जा रहे हैं भैया। मैं तो गाइस प्रीसी मैन से भी ज्यादा पावरफुल मुझे लगता है। अब तुझे मैं बताने वाला हूँ, बहुत हीरो बन रहा है। ए भैया अभी तुम्हारे पास कौन सा टॉयलेट है वो लेके आओ। ओके गाइस नहीं अबे भैया ने यूज करे स्केलेटन राइफल और ये मुझे नहीं लगता इतना पावरफुल है, ये तो पिटेगा ही। हाँ भाई ये तो पिट ही जाएगा बड़े आराम से। ओए मैच स्टार्ट कर दे भैया, अगर मैंने मैच स्टार्ट कर दिया ना एक एक बट लग जाएगी। हाँ देख लेना। ओए चल तो चालू कर पहले फिर पता चलेगा। ओए ले यहाँ पे मेरे सारे जॉइंट आ चुके हैं एक्सक्लूसिव वाले। अरे यार गाइस यहाँ पे एक्सक्लूसिव और सीरीज के भी आ गए और मुझे लगता है, अरे ये तो गोल्ड एसिड दे रहा है लेकिन तो पहले से गोल्ड का बना उसे कुछ नहीं होगा। ए भैया ये लो इसके टकले पे मार मार के गैस तो इसका टकले पे छेद कर दिया। ओए बहुत हो गया, अब तो पंगा तूने ले लिया ना, तो अपग्रेडेड साइंटिस्ट आ चुका है। हे भैया अपग्रेडेड साइंटिस्ट भी मेरे टाइटन को नहीं हरा सकता। ओए तेरा कोई भी टाइटन मेरे अपग्रेडेड साइंटिस्ट को आज तक हरा नहीं पाया है। अच्छा ये गाइस ये देखा ना आखिरकार भैया अब कैसा लग रहा है तुम्हें। ओए अपग्रेडेड साइंटिस्ट को तूने हरा दिया, मैं मान नहीं सकता हूँ। ए भैया फिर भी हरा दिया तो मैं माने या ना मानो। ए गाइस अपना क्लॉक मैन ये गोल्ड वाला बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये देख के भी लगता है कि पावरफुल है क्योंकि इसकी बॉडी का टेक्सचर देखो स्ट्रक्चर देखो कितना ज़्यादा मस्त है। ओए ले अब अपग्रेडेड लेकर आऊँगा, इसको हरा पाना मुश्किल है नामुमकिन है मुन्ना। ए गाइस ये अपग्रेडेड वाला थोड़ा हवा में उड़ता रहता है जब देखो। ओए ये तुझे उड़ उड़ के मारेगा, तेरा टाइटन तो लड़ नहीं पाएगा इससे। ये ले भैया मेरा टाइटन भी हवा में उड़ उड़ के मारता है देख लेना। ओए ये कैसा टाइटन है, अबे सोने का बना हुआ, बाप रे फूटता क्यों नहीं। ए भैया तुम्हारा ये बौखला जाएगा लेकिन मेरा ये हारने वाला नहीं है। ओए ए गाइस यहाँ पे अभी भी बैटल चली रही है और गाइस अभी तक रिजल्ट नहीं आया, बहुत ही तगड़ी फाइट चल रही है और इससे कैसा रिजल्ट आ गया। ये क्या हो गया। ए भैया यही होना था, मुझे पता था कि तुम जीत नहीं सकते। और गाइस अपने क्लॉकमैन को भैया ने मतलब क्लॉकमैन ने भैया की वाट लगा दी। ए भैया हार के दोबारा तुम्हें कैसा लग रहा है। ओए बहुत खुश हो रहा है तू, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ए भैया बड़ा है छोड़ने पकड़ने वाले गाइस यहाँ पे भैया को लगातार हराने के बाद जो मजे आ रहा है बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। भैया ने अभी तक मेरे क्लॉक मैन को डिफीट नहीं कर पाया और भैया इस बार क्या लेकर आ रहे हो। और इस बार मैं लेके आने वाला हूँ ये ले मल्टीवर्स आ गया जी मैन। ए भैया मुझे लगता है इस बार भी ये काम करने वाला है, ये हारेगा भैया। ओए नहीं हारेगा। ए भैया हार गया, ये देखो ये भी क्या नीचे पिघल के। अरे बाप रे ये क्या हो गया भैया, मजे आ गया भैया। ओए ये कहाँ जा रहा है, रुक जा। ए भैया नहीं छोड़ूंगा, ये ले एक ही बार में उड़ा दिया ना भैया। ओए कैसा लग रहा है। ए भैया अच्छा लगा यार मुझे देख के, और इसके बाद ये देखो। ओए ये क्या है। ए गाइस ये देख रहे हो धीरे धीरे करके क्या मस्त मजे आ रहे हैं ना, बहुत ही सही लग रहा है यार। ओए नहीं नहीं नहीं। ए भैया अरे बाप रे ये क्या लगा दिया तुमने ट्रांस वाला। ओके गाइस ये पावरफुल लग रहा है। ओए ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये हरा के रहेगा। ओए ट्रांस साइंटिस्ट। ए भैया ये ट्रांस साइंटिस्ट क्या करेगा। ओए भैया वो तो आने से पहले मर गया। अपग्रेडेड टैंक। और गाइस मुझे यकीन नहीं हो रहा कि गोल्ड टाइटन इतना ज़्यादा पावरफुल निकलेगा, मुझे सही में बिलीव नहीं हो रहा ये टाइटन इतना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। ओए बहुत कुछ हो रहा है इस बार लेकिन तेरा टाइटन हारने वाला है। हे दोस्तों क्या लगता है भैया का ये डम्पस्टर जो भी है इसका नाम क्या है डम्पस्टर साइंटिस्ट हरा पाएगा। ओए आज तो साइंटिस्ट तेरे टाइटन के पिघला देगा मार मार के। ए भैया ये कोई मामली नहीं है, ये गोल्डन टाइटन है बहुत ही ज़्यादा डेंजर। और गाइस अभी तक बैटल चली रही है, बहुत ही ज़्यादा टफ बैटल हो गई। कमेंट में जल्दी से वोट करो यार कौन इस बैटल को जीतने वाला है, गोल्ड टाइटन जीतेगा कि भैया का डम्पस्टर टॉयलेट। फटाफट से दोस्तों कमेंट में बताओ आप किसको वोट करोगे, जल्दी से वोट करो यार। ओए ये क्या चक्कर है बाबरे,
Hey guys, मैं दोनों के हेल्थ बार चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ ना यहाँ पर यार इसके हेल्थ डोमिनेट करते जा रही, धीरे धीरे करके डाउन हो रही है, लेकिन गोल्डमैन की उतनी कम हो रही है। ओए हे भैया, ये टाइम को रिवर्स कर सकता है तो इससे पंगा लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल पड़ेगा। एक हाइजिस के साथ लगता है बैटल जीतने वाला है। मैंने हेल्थ चेक कर ली और हम जीत चुके हैं इस बैटल को। भैया हारते हुए, भैया कैसा लग रहा है?